दोस्तों वेलकम बैक टू आवर कुकिंग ब्लॉग चश्मी चाचा। तो दोस्तों फिर से आ चुके हैं और एक गिंदर सिंह कुकिंग वीडियो लेकर, और आज हम लोग आए हैं हमारे घर के एकदम से पास इस बोईकंडुपुर फॉरेस्ट में, और हमारे घर के ही पास है ये जंगल। और फिलहाल हम लोग आए हैं इस नदी के किनारे, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर वक्त हमारा जो वीडियो हो नदी के किनारे हो, क्योंकि हमारा कुकिंग के लिए पानी वगैरह सब कुछ सुविधाएं हो जाता है, इसलिए हम लोग हर वक्त आते हैं नदी के किनारे। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं इस खूबसूरत सी जंगल के नदी के किनारे, तो आज और एक इंटरेस्टिंग कुकिंग वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के सामने। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं चिकन कटिंग करने के लिए, और दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन लॉलीपॉप। तो दिखाएंगे चिकन लॉलीपॉप का सारा चीज है, और आज हम लोग लेके हैं चिकन विंग्स, तो इस विंग्स से आज हम लोग बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप। तो सारा चीजें आप लोगों को डिटेल में दिखाते हैं, और चिकन जो है उसको हम लोग फिलहाल कटिंग कर लेते हैं। तो चलो तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चिकन लॉलीपॉप का पीस एकदम से बन के रेडी हो चुका है, तो इसी तरीके से सारा जो लॉलीपॉप का पीस है इसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो चलो हेलो भाई लोग, हम लोग जा रहे हैं चिकन को नदी में धोने के लिए, आओ देखो। अच्छा तो जाओ भैया, एक बार पाल्टी खाया था तुम। हाँ ठीक है, हाँ मालूम है हमको। उधर लेके आओ, कहाँ धोए, इधर धो, ठीक है। हाँ उधर चलो, हाँ इधर, अच्छा है। पानी ज़्यादा साफ नहीं है, फिर भी चलेगा, हमारे से धो रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा देख सकते हो चिकन प्रॉपर धो के रेडी करके रखा है, और इसके बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा मसाला वगैरह डालेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर नमक, नमक थोड़ा सा, काली मिर्च का पाउडर, और इसके बाद अंडा, एक अंडा डालेंगे, और इसको बढ़िया तरीके से हम लोग मैरिनेट करके रखेंगे। तो अंडा डाल दिए है, इसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, नींबू का रस थोड़ा सा, इसको बढ़िया तरीके से मैरिनेट करके रखेंगे। तो गाइस ये जो हमारा ग्रेवी है इसको हम लोग घर से बना के लेके आए हैं, तो आप लोगों को बोल दूं इसमें क्या क्या हम लोग डाले हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग डाले हैं 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, दो अंडा, और लाल मिर्च, धनिया, जीरा, गरम मसाला, सारा चीज़ें इसको हम लोग डाल के लेके आए हैं, क्योंकि जंगल में आए हैं, इसको बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग घर से इसको प्रिपेयर करके हम लोग लेके आए हैं। तो चलो दोस्तों हमारा ग्रेवी इस तरफ रेडी हो चुका है, और उस तरफ हमारा चिकन भी प्रॉपर रेडी है। तो चलो दोस्तों तेल को गर्म करते हैं, और आज का जो हमारा चिकन लॉलीपॉप है उसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो चलो फिलहाल दोस्तों हमारे यहाँ पर स्टोव प्रॉपर जल चुका है, तो पैन को बैठाते हैं और तेल को गर्म कर लेते हैं। तो चलो दोस्तों, तो यहाँ पर पैन हमारा बैठ चुका है, और हमारा तेल को हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, और आज हम लोग फ्राई करेंगे इसको सरसों के तेल के अंदर, पूरा हम लोग तेल जो है इसको हम लोग भर देंगे, और इसको हम लोग गर्म कर लेते हैं, देन हम लोग इसको बढ़िया तरीके से जो हमारा लॉलीपॉप है उसको हम लोग फ्राई करेंगे।
गाइस यहाँ पर हमारा देख सकते चिकन लॉलीपॉप बढ़िया तरीके से फ्राई हो रहा है। तो ये जो हमारा चिकन लॉलीपॉप है इसको हम लोग दूसरी बार भी फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारा एकदम कच्चा चिकन है, एक बारी में फ्राई नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग दोबारा हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा चिकन लॉलीपॉप एक बार फ्राई हो चुका है, तो इसको हम लोग दोबारा फ्राई करेंगे, इसलिए हम लोग इसको निकाल देते हैं। तो गाइस हम लोग चिकन लेते टाइम थोड़ा सा वेस्ट पीस भी ले लिए थे, जिससे हम लोग बना रहे हैं फिलहाल पकौड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर पकौड़ा को हम लोग फ्राई करते हैं। चलो दोस्तों सारा पकौड़ा फ्राई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सारा पकौड़ा एक बार फ्राई हो चुका है, इसके बाद जो हमारा चिकन लॉलीपॉप है उसको हम लोग दोबारा फ्राई करेंगे। तो गाइस एक तरफ हमारा पकौड़ा फ्राई हो रहा है और फिलहाल मैं कटिंग कर लूँ सैलड को, क्योंकि चिकन लॉलीपॉप के साथ सैलड ना हो तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग खीरा लेके आए थे, खीरा और प्याज दोनों से हम लोग फिलहाल सैलड बना रहे हैं। तो चलो दोस्तों सैलड को फिलहाल कटिंग कर लेते हैं, देन आप लोगों को दिखाएंगे। तो फाइनली दोस्तों आज का हमारा बेहतरीन सा डिश चिकन लॉलीपॉप बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसके अंदर डेकोरेट वगैरह किया, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल इस खूबसूरत सी जंगल के बीचों बीच में इस बेहतरीन सा डिश को फिलहाल हम लोग खाते हैं। तो चलो उठाते हैं एक टंगरी और इसको डिप करते हैं केचप के अंदर और लेते हैं एक बड़ा सा बाइट। तो चलो बहुत ही जबरदस्त दोस्तों। तो गाइस इस डिश को हम लोग फिलहाल एंजॉय करते हैं इस बेहतरीन से जगह पर, और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें, एंड तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। लेते हैं खीरा। तो दोस्तों आप लोग जरूर ऐसे टाइप का रेसिपी घर में ट्राई करना। तो फिलहाल इस सारा चीज़ों को हम लोग फिनिश करते हैं, देन आप लोगों को दिखाएंगे आसपास का व्यू वगैरह, जंगल के अंदर क्या कुछ होता है। चलो फिलहाल इसे ख़त्म करते हैं। तो गाइस हम लोग सारे लोग यहाँ पर जंगल में मंगल करने के लिए बैठ चुके हैं और आज का ये रहा हमारा आज का खाना। तो चलो दोस्तों इसको फिनिश करते हैं सारे लोग मिलकर। चीयर्स। बंगाल में बात है उल्लास उल्लास। हम लोग खाता है और आप लोग वीडियो इन तक देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। डेंगला डेंगला एक पीस, खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने नहीं किया था। अभी मच्छर में काट रहे रे भाई लोग। भाई लोग जल्दी खाओ, मच्छर बाद में एलिफेंट आएगा। हम खा रहे पोखरा इधर में बड़ा बड़ा हाथी है हमको। तो दोस्तों देख सकते सूरज एकदम से डूब गया है और कुछ देर बाद एलिफेंट आना चालू हो जाएगा, और आप लोगों को थोड़ी देर बाद हम लोग दिखाएंगे जो हमारा एलिफेंट है पॉटी करके गया है एकदम सा भीगा भीगा से अभी भी, तो दो चार मिनट पहले शायद पॉटी करके गया है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिलहाल खाते हैं और जल्दी से निकालते हैं जंगल से। तो चलो हम लोग जंगल। बाय बाय। तो दोस्तों ये है एलिफेंट का पॉटी, आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा टाइप का होता है, एकदम सा भूसा ही भरा है। और ये रहा पेड़ का जो छाल है, इसको निकल के फिर एलिफेंट खाता है। देखो इस तरफ एकदम सा जो पेड़ का छाल है इस तरफ है ही नहीं, और इस तरफ देखो थोड़ा सा है, पूरा जो ऊपर से नीचे तक सारा चीजें खा गया। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना सब कुछ हो चुका है
और यहाँ पर ये लोग गया है नदी में धोने के लिए हमारा सारा सामान। तो देख सकते हो हमारे पास में ये नदी है और नदी के ऊपर एक पेड़ गिरा हुआ है। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो ऐसे ही समाप्त करते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।